गुड मॉर्निंग। तो आज अपना दूसरा दिन है और अभी अपन छत पे हैं और आप लोगों को बहुत सारे बंदर दिखाता हूँ। अभी तो ब्रश कर रहा हूँ और बंदर दिखाता हूँ। बहुत सारे बंदर आए हुए हैं, मतलब बहुत सारे नहीं, 3-4 हैं, तो दिखाता हूँ आप लोगों को। देखो मामा इधर सो रहे थे तखत पे, मुझे आलू की डलिया तखत के नीचे घुस के पूरे खा रहे। काय भैया काय? ए राहुल राधा मां, ये आया एक और दूर लेना, छत पे से गिरेंगे एकदम से। ये तो आज छोटे साइज के हैं। सो गाइस अब देख सकते हैं बंदर को अपन भगा दिए और यहाँ पे मस्त देसी स्टाइल में चूल्हा जल गया है और मस्त भटे सारी सब्जियां बन रही हैं और ये बैठी है काटने। सबसे ज्यादा मेहनत मैंने करी है, सबसे ज्यादा मेहनत इसने करी है सिर्फ लहसुन छीलने में। और ये हाँ प्याज मम्मी ने काटा है और चूल्हा मामी ने जलाई है। सब चीजें रखी हुई हैं यहीं पे और मस्त बढ़िया चल रहा है, एक नंबर काम। आज अपन खाएंगे फिर से भटा, अभी भुंज रहे हैं तो भरता बनेगा और क्या बनेगा, दाल चावल बनेगा, आलू गोभी की सब्जी और बढ़िया ऐसे सब लोग। आज सब लोग, मैं आया हूँ तो मेरी खुशी में सब लोग एक साथ खाना खाने वाले हैं बैठ के और यहाँ से एक एक करके कैंडिडेट आते जा रहे हैं। अभी देखो कौन निकलता है। सबसे पहले ये रौनक आ गई है, ये मामी आ गई है, ये भागे 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 क्या भागे, अरे काय के लिए भागे भाई, वापस आ। ये आ रहे हैं एक एक करके सब लोग और बढ़िया चल रहा है खाना बनाने की तैयारी। अब क्या, अब सब कट गया, अब क्या काटना है, अब कुछ नहीं काटना। हाँ टमाटर बचे तो, हाँ टमाटर बचे थोड़े से, टमाटर कटेंगे। और ये चूल्हा मैंने जलाया है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है मुझे। अब मैं जा रहा हूँ थोड़ा बाहर काम से, जब तक प्रियंका कंटिन्यू करती है आगे का व्लॉग अगर कर पाई तो। सो गाइस अब खाना बनना तैयार हो गया है, स्टार्ट हो गया है, सॉरी। अभी यहाँ पे प्याज व्याज चालू हो गई है और मामी जी यहाँ पे मस्त भटे भूंज रही है। एक और थोड़ा सा जला दिया गया है और सब लोग बैठे हैं। प्रियंका एज यूजुअल जब से 1.5 घंटे से वही काट रही है काम। अच्छा। चोर टमाटर जैसे वैसे ही कटा, वो चल रहा है बढ़िया, धुआं धुआं हो गया सब जगह। तब जल्दी से क्या क्या, अभी पहले काय की सब्जी बना रहे हैं अपन, गोभी की, आलू गोभी की। इसके बाद क्या बनेगा, भरता। इसके बाद भरता बनेगा, धनिया भी बहुत सा, पूरी धनिया लगेगी क्या इतनी सारी, इतनी सारी धनिया रखी, सिर्फ धनिया की सब्जी बन रही है। गाइस अब थोड़ा सा बन जाए आगे फिर दिखाते हैं हम लोगों को कैसा बन रहा है। सो गाइस गोभी की सब्जी तो बन गई, अब बन रहा है भरता। तो अभी बढ़िया भरते में सब चीजें तैयारी चल रही हैं। ये हमने पहले से इसको भून लिया है और अब इसको मिक्स किया जाएगा और शेफ बैठी है रौनक, चल रहा है काम धीरे धीरे। और सहायक कलाकार में मामी जी बैठी है इस तरफ भरते भूंज भूंज के दी सारे, और सासू माँ आराम से खड़ी है बस पूरी नंद का फर्ज निभाते हुए, कोई काम नहीं करते हुए। यहाँ पे काम चल रहा है पूरा, नहीं देखो यही तो होता, देखो एक नंद ये बैठी है, भाभी लोग काम कर रही है, ये तो इनकी तो बहू हुई, ये देखो एक नंद ये बैठी है खाली, देखो कुछ काम नहीं कर रही है खाली। तो इससे साबित होता है ना कि भाभियों को काम करना पड़ता है, नंद बैठी हुई है। तब गाइस जल्दी से ये भी बन जाए फिर इसके बाद क्या बनेगा, अभी मतलब इसी की प्रोसेस दिखाते हैं धीरे धीरे आपको, अभी तो ये पकने दो। गाइस चूल्हा थोड़ा सा तेज हो गया है, ज्यादा बढ़िया धुआं फेंक रही है, मस्त यमी यमी दिख रहा है ये। इसमें तड़का लग रहा, बहुत अच्छा लगेगा ये, बढ़िया तड़का लग रहा है भरते। देखो वो वैसी स्मेल आ रही ना होटल वाली, नहीं वैसी स्मेल तो मेरी नाक बंद है तो नहीं आ रही। हमारी तो खुली है, हम लोग की तो खुली है सब। बाकी बढ़िया बन रहा है एकदम। तो ये देखिए अभी तक अपन लोग शहर में तो हमेशा चाकू ही से काटते हैं और ये देख लो हसिया, अब हसिया का यूज होके आज धनिया कट रही है यहाँ पे, काफी टाइम के बाद ये देखने मिला। मेरी नानी के यहाँ भी कटता है ये, ऐसा मौसी काटती है तो बढ़िया, ये हसिया से काट रहे हैं। ये जल्दी जल्दी अब धनिया भी कटते जा रही है। सो गाइस अभी ये भी बिल्कुल पक गया है, अब इसके बाद इसमें बारी आएगी। शेफ अब आप क्या डालने वाली हैं इसमें? कुछ नहीं, इसमें कुछ नहीं, क्या बैगन डालो? कुछ नहीं, बोले बस ऐसे ही देंगे। अब इसमें बैगन डालेंगे अपन और ये बैगन आ गए हैं चालू। लेकिन तो वो
तो ये चालू हो गए भट्टा पूरे डल ले सॉरी भट्टे नहीं बैग है भट्टा भी तो बोला जाता है हाँ वही तो और ये मस्त मिक्स हो रहे हैं एक और शेफ आ गई है मार्केट में अभी ये बताएंगी आगे की प्रतिक्रिया प्रक्रिया कि क्या क्या बनाना है इसके बाद दाल बननी और बाकी है तो अभी ये जल्दी से बन जाए पहले फिर आप लोगों को दाल भी बनाते दिखाते हैं और उसके बाद मैं रिव्यू करके बताऊंगा कैसा बनाया इन लोगों ने खाना। सारे मसाले डल रहे हैं भरते में, ये मिर्ची आ गई कलर वाली और ये रियल वाली मिर्ची और आंख में धुआं बहुत तेज है। चलो मिक्स कर लो, आई अरे चालू हो गया मिक्स होना। वाह 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 बढ़िया दिख रहा है, खाने में और मजा आएगा। अब सब लोग साथ में इकट्ठे बैठ के खाना खाएंगे तो और मजा आएगा। तो गाइस भरता तो बन गया और भरता रेडी हो गया है और इधर पे इसको अब रख दिया गया है धीमी धीमी आंच में कि पकता रहे और गरम होता रहेगा, गरम गरम सर्व होगा सबको। और अब तैयारी चालू हो गई है दाल की, तो अभी दाल को पकाया जा रहा है। झरिया दो भाई, ये झरिया नहीं ये करछली है मतलब। अभी ये पकाया जा रहा है प्याज और प्याज के बाद रखे हैं वहाँ वेटिंग में टमाटर, तो टमाटर डाले जाएंगे। तो अभी पहले प्याज पक जाए फिर आप लोगों को दिखाते हैं। सो गाइस यहाँ तो अभी भी पक रहा है, बहू रानी यहाँ खाना बना रही हैं और ये उनकी सास लोग बैठी हैं, ये देवरानी नहीं ये जेठानी ये देवरानी। और यहाँ पे क्या टूट रहा है, एक जगह मटर चल रही है और एक जगह धनिया चल रही है। तो मामी जी कैसा लग रहा है आप लोगों को मैं आया हूँ तो? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत परेशान हो रहे हैं आप लोग। बहुत अच्छे आने वाले, हाँ वही तो। अब आप लोग यूट्यूब पे आओगे जल्दी जल्दी है ना सब लोग। चलो सही है। तो ये धनिया टूट रही है गाइस और यहाँ पे अभी प्याज अभी भी पका ही रही है, तो थोड़ा प्याज पक जाए फिर अपन टमाटर पकवा के डलवाते हैं। सब सिखाना पड़ रहा है रौनक को कैसे क्या बनाना है। जूस बोलने की तो आदत नहीं जा रही थी, जूस सिखा रहे हैं। मैं सिखा रहा हूँ सबको सब चीजें कैसे कैसे क्या क्या बनना चाहिए। तो अभी जल्दी से ये हो जाए फिर आप लोगों को दिखाते हैं टमाटर और दाल बिल्कुल अब फाइनल रूप में दिखाएंगे कैसी दिखती है इसके बाद। गाइस मसाला बन गया है और अब मामी जी आ गई हैं रोल में, अब मामी जी पकाएंगी आगे की चीजों को। अब इसके बाद क्या मामी जी, बस दाल ही दाल बनाएंगे बस। अब मामी जी करने वाली बाकी का काम। ये आ गया भगोना, ऊपर भगोना बोलते अपने तो गंजी डंका। और ये देखो सब तरफ इसमें राख भी लगा दी गई है ताकि वो क्या राख लगी है ना सब में, हाँ ताकि वो जले ना। और ये दाल आ गई, दाल पकनी चालू। दाल तो पक गई है ना वैसे, पकी हुई है, बस अब मसाला बस डालना है इसमें। प्रियंका दीदी अपनी बर्फी खुद खा, ये आ गई तैयार होके सूतने लगी हैं, बोले बहुत लेट कर रहे हैं इन लोग। चलो अब ये दाल बढ़िया मसाला सारा अंदर डाल के क्या बोल रही हो के लिए मसाला खाना है, मसाला थोड़ा सा कह रही है इतना सारा। तो गाइस सब्जी दाल सब कुछ बन गया है और अब एक यूनिक चीज देख लो, रोटी सेक रही है मस्त चूल्हे पे। ये यहाँ पे हम ले लो यहाँ पे रोटी बेली जा रही है, एक सेकने में लगे हुए हैं, यही पे क्या मस्त फूल रही है रोटियां देख सकते हो चूल्हे की। और यहाँ पे घी लग रहा है रोटियों में और ये दाल एकदम मस्त टेस्टी बन गई है। दाल ही है ना वो? हाँ, दाल ही है। और ये फूली फूली रोटियां हैं, ये देखो
तो गाइस अब खाते हुए मिलते हैं और बताते हैं टेस्ट कैसा ये थाली लग रही है। एक तो देखो किसको मिलती है वाली, छोटे मामा, ये छोटे मामा के लिए लग रही है थाली। तभी हम भी खाएंगे और फिर बताएंगे आप लोगों को कैसा है टेस्ट चूल्हे के खाने का। तो गाइस अपनी थाली तो सच के आ गई है, मस्त प्याज भी भूंजे हुए है, नींबू का अचार भी है, गुड़ भी है, दाल भी है, भरता भी है, गोभी की सब्जी है, रोटी भी है। तो अब हम इसे खाते हैं, टेस्ट करते हैं और बताते हैं कैसा है फिर उसके बाद। गाइस मैंने तो खा लिया खाना, बहुत टेस्टी बना था। कैसा बना मम्मी आप बताओ? हाँ बने, रेडी हो जाओ। हाँ अच्छा बना है। और सलोनी तुमको कैसा लग रहा है? अभी खा रहे बस भाई। हाँ खाओ बताओ कैसा है, कैसा है? बढ़िया बढ़िया है। चलो तो गाइस ऐसे ही सब लोग खाना खा लें, एक एक करके सबका खाना ही चल रहा है। अभी भी देखो मामी जी लोग लगी हैं सेकने में रोटी, और प्रियंका घी लगा रही बेचारी, जब से खाने को मिल ही नहीं रहा है उसे। कर्मचारियों को लास्ट में मिलता है। हाँ कर्मचारियों को लास्ट में मिलता है, सही बात है, सारे कर्मचारी लगे हुए हैं। गाइस हमने तो खा लिए, मम्मी लोग भी खा लिए, अभी ये सेकेंड राउंड चल रहा है यहाँ से। थर्ड राउंड मेरा नहीं, बाकी लोगों का जो बचे थे ये खा रही है। कैसा है प्रियंका, अच्छा है ना तुम्हें? बहुत अच्छा है। और स्नेहा आपको कैसा लग रहा है? बढ़िया, एक नंबर। हमें तो अपने हाथ का खाना बहुत अच्छा लगा। अच्छा लग रहा ना, बढ़िया है। बाकी इधर पे सलोनी का भी खत्म है, इनका भी खत्म, ये भी खा चुके हैं पतंगबाज लड़के। अब मामी जी लोग और बची हैं, इन लोग भी खा लेते हैं सब लोग। फिर क्या करना है, कुछ नहीं करना उसके बाद, फुर्सत सब तो मिलते हैं थोड़ी देर से। गाइस खाना तो सबने खा लिया था, अब और आर्यन आए हैं बिही लेने, सबको बिही खानी थी तो बिही लेके जा रहे हैं घर, उसके बाद बिही खाएंगे। और आर्यन और बताओ फिर खाएंगे और बहुत टेस्टी लगेंगे। बहुत टेस्टी लगेंगे ऐसा आर्यन बोल रहा है, क्योंकि आर्यन ने पसंद करी है बिही, है ना। अब जैसी निकली रिजल्ट अभी घर जाके पता चलेगा, जब सब लोग खाएंगे तो सब लोग पहुँचते हैं घर। तो बढ़िया, काफ़ी छोटी सी सिटी है ये तो, अच्छा लग रहा है। धीरे धीरे मस्त बढ़िया पैदल पैदल घूम लो, अभी अपन कितना 1 किलोमीटर आ गए ना घर से, 1 किलोमीटर आ गए। और आर्यन कौन सी क्लास में हो तुम? आर्यन 8th में है अभी, है ना। और स्कूल भी आर्यन का पास में है, बाकी काफ़ी सीधा लड़का है, निकलता नहीं है ज़्यादा घर से बाहर। और मेरे साथ अभी परमिशन मिल गई तो निकल आया है। तो अब जल्दी से घर पहुँचते हैं, बिही खाते हैं, फिर देखते हैं कैसी है, मीठी है कि नहीं है। तो घर पहुँच के मिलते हैं। तो गाइस आज के ब्लॉग में बस इतना ही, एंड अब इस वीडियो को भी एडिट करना है और उसके बाद लैपटॉप ऑन है, तो जल्दी से आधी एडिटिंग हो गई अब इस पार्ट को ऐड करके। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।